हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML5 की जियो लोकेशन API के बारे में। नाम से ही लग रहा है कि जियो लोकेशन मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में कोई API है। API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। HTML5 जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो साथ में इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ APIs जिनके थ्रू आप अपने वेब एप्लीकेशन को और ज़्यादा बेटर बना सकते थे। सो यहाँ पर इनमें से एक है जियो लोकेशन API। जियो लोकेशन API का यूज़ किया जाता है यूज़र की लोकेशन ट्रेस करने के लिए। हम यूज़र से पूछते हैं कि क्या वो लोकेशन शेयर कर सकते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं तो वी यूज़ द लोकेशन, अदरवाइज अगर वो ब्लॉक करते हैं तो वी कैन नॉट यूज़ द लोकेशन। ओके, एंड ऐसा क्यों किया जाता है, हम क्यों यूज़र की लोकेशन ट्रेस करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर? वेल, ऐसा करने से हम हमारे वेबसाइट का इंटरफेस जो है एंड जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। लाइक जो कंटेंट होगा वो यूज़र के लोकेशन के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, इसलिए हम जियो लोकेशन API का यूज़ करते हैं। सो चलिए देखते हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं जियो लोकेशन API का, ताकि आप अपने वेब एप्लीकेशन में इसे यूज़ कर पाएँ। सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जियो लोकेशन API का। एंड जनरली बहुत सी वेबसाइट इसका यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ OLX.in को। आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस वेबसाइट बट यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो जैसे ही आप OLX.in पर जाते हैं तो ये ऑल इंडिया में वर्क कर रही है। एंड इस वेबसाइट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप सेकेंड हैंड चीज़ें सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। सो अगर मैं कोई लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो मैं हूँ इंदौर में, एंड इंदौर में अगर मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ और मुझे अगर सेलर दिखाई देगा तमिलनाडु का या समथिंग लाइक जम्मू कश्मीर का, तो आई कैन नॉट बाय दैट। सो इसलिए यहाँ पर हम लोकेशन ट्रेस करवा सकते हैं। यहाँ पर हम लोकेशन अगर एक्सेस करने दें तो ये हमें हमारी लोकेशन में बताएगा कि कोई अगर लैपटॉप सेल कर रहा है तो वो कौन है आपकी लोकेशन में, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम। ओके, सो यहाँ पर अभी ऑल इंडिया आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर अलाउ करता हूँ तो मेरी लोकेशन शेयर होगी, एंड ब्लॉक करता हूँ तो नहीं होगी। अब मैं इसे अलाउ करता हूँ। सो अलाउ करने पर यहाँ पर मेरी लोकेशन ट्रेस करके मुझे दिखाता है ये, एंड मैं इंदौर मध्य प्रदेश चूज़ करता हूँ एंड सर्च करता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि इंदौर में पर्टिकुलर, यहाँ पर देखिए इंदौर इंदौर इंदौर, सो इंदौर में कोई क्या सेल करना चाह रहा है। ओके, एंड मुझे मेरे एरिया में किसी भी चीज़ को बाय करने में आसानी होगी। सो इस तरह जियो लोकेशन API का यूज़ करके हम यूज़र के एक्सपीरियंस को और बेटर बना सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर इंदौर में ही हमेशा यहाँ पर इंदौर ले लेगा लोकेशन में। सो इस तरह हम जियो लोकेशन का यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह डेवलप कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए। सो मैं यहाँ पर हूँ क्रोम में, एंड यहाँ पर है मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर जो पूरी तरह ब्लैंक है। सो हम शुरुआत करते हैं HTML के डॉक टाइप से। डॉक टाइप HTML लाइक दिस। टाइटल में इसका दे देता हूँ लाइक जियो लोकेशन एंड जियो लोकेशन API बाय wishacademy.com। नाउ बॉडी में मैं यहाँ पर बहुत सारा UI क्रिएट करने वाला नहीं हूँ, कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा ताकि हम जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो जियो लोकेशन API को सीखने में दे पाएँ। सो जस्ट मैं एक H1 यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ हेडिंग फर्स्ट, एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हेलो लेट्स ट्रेस योर लोकेशन। ओके, एंड नाउ यहाँ पर एक बटन इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, एंड बटन में मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ गेट लोकेशन, एंड बटन के ऑन क्लिक पर मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ विच इज़ गेट लोकेशन, एंड इसे हम क्रिएट करेंगे। नाउ एक ड्यू ले रहा हूँ मैं जिसकी ID होगी आउटपुट। ओके, एंड आउटपुट विल गो हियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको jQuery यूज़ करनी पड़ सकती है अगर आप कोर एजेक्स यूज़ नहीं करने वाले हैं तो। ये हमको बताऊंगा आगे कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम jQuery इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से जियो लोकेशन का यूज़ कर पाएँ। सो code.jQuery.com पर मैं जा रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं jQuery कोड 2.2.4 का मिनीफाइड वर्जन कॉपी कर रहा हूँ। जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। देन इसके बाद हमें चाहिए केवल सोर्स फिलहाल, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। सो जस्ट गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नाउ
स्क्रिप्ट टैग के नीचे एक और स्क्रिप्ट टैग जहाँ पर हम हमारा कस्टम कोड लिखेंगे। सो सबसे पहले हमें चाहिए वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट इज आउटपुट। ओके, यहाँ पर आपको आईडी पास करना होती है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। x डॉट इनर html इक्वल टू हियर इज आउटपुट। ओके, सेव इट एंड बैक टू द कोड, रिफ्रेश, हियर इज आउटपुट। ओके, सो यहाँ पर आपको आपकी लोकेशन दिखाई देगी हियर इज आउटपुट के प्लेस पर। नाउ इसे रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। नाउ हम क्रिएट करते हैं हमारा फंक्शन विच इज गेट लोकेशन। यहाँ पर मैंने कैमल केस में लिखा है और इसी तरह आपको लिखना है। ओके, गेट लोकेशन विच इज अ फंक्शन लाइक दिस। ओके, एंड टेस्ट कर लेते हैं इसे। अलर्ट वन, सेव एंड रिफ्रेश, गेट लोकेशन पे क्लिक किया एंड अलर्ट इज वन। ओके, सो फंक्शन वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स गो अहेड। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए सबसे पहले ये चेक करना है हमें कि ये जो ब्राउज़र है वो HTML5 की जियो लोकेशन API को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। सो इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन इज ट्रू देन x डॉट इनर HTML इक्वल टू सपोर्टिंग। ओके, एल्स x डॉट इनर HTML इक्वल टू ब्राउजर नॉट सपोर्टिंग। ओके, वंस अगेन चेक गेट लोकेशन एंड सपोर्टिंग। ओके, तो मेरा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अपडेट योर ब्राउजर नाउ। अब क्योंकि सपोर्ट कर रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करेंट पोजिशन। ओके, एंड गेट करेंट पोजिशन जो है वो HTML5 API की एक मेथड है जिसके थ्रू हम यूज़र के डिवाइस का लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ट्रेस कर लेते हैं एंड इसे हम पास कर देते हैं एक फंक्शन में। सो यहाँ पर शो पोजिशन नाम का एक फंक्शन में यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, इसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। किसी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास करना इज कॉल्ड द हायर ऑर्डर फंक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कभी किसी वीडियो में। फिलहाल हम कंसंट्रेशन देते हैं पूरा नेविगेटर को। सो नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करेंट पोजिशन। ओके, सो यहाँ पर हमने यूजर की करेंट लोकेशन निकाल ली है लेकिन ये भी वर्क नहीं करेगी। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं कराया। नाउ हमें चाहिए शो पोजिशन फंक्शन। सो इस फंक्शन के नीचे हम एक फंक्शन फिर से बना रहे हैं शो पोजिशन एंड इट इज अ फंक्शन। सो फंक्शन कीवर्ड फंक्शन शो पोजिशन, इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे पोजिशन। सो गेट करेंट पोजिशन में जो भी पोजिशन की वैल्यूज आई है, जो भी एक ऑब्जेक्ट पास हुआ है वो शो पोजिशन में पास होगा। शो पोजिशन में उसे आर्ग्यूमेंट की तरफ पास किया जाएगा एंड यहाँ पर हम उसे यूज कर सकते हैं। सो कैसे यूज करने वाले हैं चलिए देखते हैं। शो पोजिशन फंक्शन के अंदर हमें जो पोजिशन मिली है, जो पोजिशन ऑब्जेक्ट हमें मिला है, उसके वैल्यूज को हमें यहाँ पर प्रिंट करना है ओनली। ओके, सो किस तरह प्रिंट होगा चलिए देखते हैं। लाइक एक्स डॉट इनर HTML इक्वल टू पोजिशन, जो कि ये वाला नाम है पोजिशन डॉट कोऑर्ड्स। कोऑर्ड्स का मतलब है कोऑर्डिनेट्स। ओके, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स में हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं लैटिट्यूड का, लैटिट्यूड। ओके, एंड इसी तरह होता है एक्स डॉट इनर HTML में हम दे देते हैं पोजिशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लॉन्गिट्यूड। ओके, ये तो कोऑर्डिनेट होते हैं तो इस तरह हम यूजर का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ट्रेस कर लेते हैं एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम उसकी सिटी, कंट्री एंड लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ
latitude is equal to plus, then again x dot inner HTML, extend this string, then line break, and then again extend longitude is equal to and position dot coordinate dot longitude. Okay, now save it and test it. Save and refresh and get location. Something is wrong. Location is blocked, sorry. Reload the page, get location, allow, and latitude aa chuka hai, longitude nahi aa raha hai. Longitude kyun nahi aa raha hai? Cannot read the property longitude. Longitude property ko read nahi kar pa raha hai. Longitude, oh sorry, spelling galat hai. Coords, save and refresh again, get location, and here is the latitude and longitude. So yahan par mujhe mera या मेरे डिवाइस का लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल चुका है, एंड इनका यूज़ करके अब मुझे सिटी, कंट्री एंड करेंट जो लोकेशन है मेरी वो ट्रेस करनी है. सो वो कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ मैं अगले वीडियो में. तब तक इतनी प्रैक्टिस कीजिए. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस API ट्यूटोरियल, एंड छोटी सी सीरीज है बट बड़े काम की सीरीज है. सो कीप प्रैक्टिस एंड मास्टर द HTML5 विद मी विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com. सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज. टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. सी यू नेक्स्ट वीडियो. Till then, happy coding.